आप सभी का मेरे चैनल द एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज मैं आप सभी को फिर से बताने जा रहा हूँ क्लास इलेवेंथ का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन, जो पेज नंबर 188 है ज्ञान पब्लिकेशन का, जिसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मिट्टी पलट हल 20 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काटते हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि 10% समय घूमने में नष्ट होता है तो 1 हेक्टेयर खेत जोतने में कितना समय लगेगा? तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर WSH बटे 1000 गुणे 100 माइनस टी बटे 100। ये आपका सूत्र होता है, जहां आपका ए बराबर होता है क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ए बराबर क्षेत्रफल हेक्टेयर में, W बराबर यंत्र की चौड़ाई सेंटीमीटर में, H बराबर कार्य करने की के घंटे, ये आपका घंटे में रहेगा, S बराबर यंत्र की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, और T बराबर प्रतिशत समय नष्ट। तो आपका इसमें A कितना दिया हुआ है? आपका A इस क्वेश्चन में आपका A दिया हुआ है एक मिट्टी पलट हल 20 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काटते हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि 10% समय घूमने में नष्ट होता है तो 1 हेक्टेयर, आपका ए एक दिया है यानी कि 1 हेक्टेयर, तो आप यहाँ ए बराबर 1 लिख लेंगे, ये आपका हेक्टेयर में है। और आपका डब्लू बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि यहाँ 20 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काटता है वो, तो यहाँ आपका 20 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ आपका H कितना दिया हुआ है? आपको H निकालना है, आपका H इसमें दिया नहीं है, तो इसे हम निकालेंगे। उसके बाद आपका S दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। उसके बाद आपका T कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, T 10% समय नष्ट, आपका T 10% हो गया। अब फार्मूला यहाँ ऊपर लिखे हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। आपका A 1 दिया हुआ है 1 हेक्टेयर, इक्वल टू कर लेंगे। उसके बाद आपका W 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर कूड़े का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका S दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद आप कूड़े का निशान लगाएंगे, फिर आपका H आपको निकालना है, तो यहाँ H को ऐसे ही लिख लेंगे, बटे में 1000 है, 1000 लिख लेंगे, फिर कूड़े का निशान, फिर 100 माइनस आपका टी दिया हुआ 10% समय नष्ट, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे बटे 100। इसे अब हम हल करेंगे, तो 1 बराबर 20 गुणे 4 H बटे 1000 गुणे, जब आप 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा, 90 बटे 100। अब इसे हम 10 से 10 काट देंगे, फिर यहाँ 10 से 10 को इसको काट देंगे, उसके बाद आपका यहाँ बच जाएगा 1 बराबर 4 का, जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 गुणे H बटे आपका 1000, आपका यहाँ 9 बचा है, तो 9 को गुणे में कर लेंगे। उसके बाद आप इसे क्या नाम है, एक यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं, एक इक्वल टू 8H 1000। जब आप इसे H को इधर लाएंगे, तो H जब आपका इधर आएगा तो आपका नीचे हो जाएगा, पहले तो आप 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका 8 और 9 का मल्टीप्लाई 72 आएगा, 72 आप नीचे लिख लेंगे, क्योंकि H आपका इधर आ गया है, आपका इधर 1 बचा, तो इधर जब आएगा तो ये ऊपर ही रहेगा, और ये नीचे, जब ये आपका नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। उसके बाद
आपका एच बराबर आ गया 1000/72। तो आप जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13.8 घंटे। तो इसको हम पहले काट लेते हैं, ये आप जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 125/9। फिर जब आप 25 और 9 का आपस में भाग देंगे तो आपका h निकल कर आ जाएगा 13.8 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका, ये आपका पूरा एकदम सॉल्व हो चुका, यही आपका आंसर हो गया।